हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीरज ओसीटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आज जो अपन क्लास लेने वाले हैं 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी की, उस क्लास में आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियसली अपन ने पूरी पार्टनरशिप कंप्लीट कर ली है, सारे चैप्टर अपन ने पढ़ लिए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सारा सब कुछ अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और प्रीवियस सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, सारी चीज़ें सीख ली होगी। मेरी जो सारी वीडियोस मैंने अपलोड की है आपके लिए मेरे चैनल खिलाड़ी कॉमर्स पे, उसमें आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। आराम से आप वहाँ पे हर टॉपिक आपको मिल जाएगा। और सारी अपन पूरी एक बुक कंप्लीट कर चुके हैं, अब फाइनली आज अपन दूसरी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, शेयर अकाउंटिंग, कंपनीज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जिसको आप बोलते हो। उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहता है वो शेयर से रिगार्डिंग है, तो वो उस चैप्टर के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। शेयर अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कंपनीज कैसे शेयर इशू करती है, फिर कौन कौन से टाइप के शेयर कंपनी इशू कर सकती है इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आज अपने को इस क्लास में डिस्कस करनी है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, बेसिक्स जो आप स्टार्ट करेंगे शेयर अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं शेयर की। तो शेयर का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, शेयर किस तरीके से इशू किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं शेयर क्या है। तो कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी, उस कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है, उस कैपिटल को वो छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने क्या कर रखा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होता है, छोटे छोटे पीसेज में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है होता है। वो हर एक पीस आपका क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। सपोज किसी कंपनी की कैपिटल है 1 करोड़, 1 करोड़ उसकी कंपनी की कैपिटल है। अब अपन मान के चलते हैं कि उस कंपनी के शेयर की प्राइस सपोज 100 रुपीज़ है, तो 1 करोड़ रुपीज़ जो कैपिटल है, इट मीन्स ये हुआ कि उसके जो नंबर्स हैं वो 1 लाख शेयर्स में वो डिवाइड उसको कर रखा है। 1 लाख शेयर्स, एक की प्राइस 100, तो टोटल कैपिटल हो गई 1 करोड़। मतलब टोटल 1 लाख शेयर्स में उसकी कैपिटल क्या है, डिवाइड कर रखी है, तो वो क्या कहलाता है, आपका शेयर कहलाता है। अब बात ये आती है, इंडिया के अंदर दो टाइप्स के शेयर इशू हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर और दूसरा है आपका प्रिफरेंस शेयर। ठीक है, शेयर की अपन बात करें तो दो टाइप्स के शेयर हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ वन इक्विटी, दूसरा है आपका प्रिफरेंस। ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रिफरेंस शेयर। अब इक्विटी जो शेयर होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं उनकी स्टेक उसमें होल्डिंग होती है मेजरली। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इक्विटी को अपन ओनर्स के रूप में भी बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है कि इक्विटी और प्रिफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें तो कंपनी के ओनर्स जो हैं वो इक्विटी होते हैं, क्योंकि कंपनी का मेन होल्डिंग इन ओनर्स की होती है, सारे डिसीजन इनके ही होते हैं। प्रिफरेंस जो होते हैं वो होते हैं आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स का मतलब ये कि उनका बाहर का एक पैसा है कुछ इस टाइप से कि वो उन्होंने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है, पर कुछ टाइम पीरियड बाद आपको उसको फिर से उस अमाउंट को फिर से रिफंड करना पड़ेगा, इसलिए अपन इसको आउटसाइडर्स की कैटेगरी में रखते हैं। और इक्विटी जो होते हैं वो ओनर्स कैपिटल, आपका ओनर्स फंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है बेटा, दूसरी चीज जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि इक्विटी, अब इन दोनों के बीच में मेजरली बात ये होती है कि प्रिफरेंस, इसका नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा, प्रिफरेंस, फर्स्ट प्रिफरेंस, मतलब हर चीज में प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की बात करें अगर अपन यहाँ पे, तो मतलब ये कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, प्रिफरेंस की रहेगी। इसलिए क्या होता है, इस पर रेट ऑफ डिविडेंड भी हमेशा फिक्स होता है, जो दूसरा मेजर चीज आप समझ सकते हो। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो इस पर फिक्स होता है, फिक्स होने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि पहले से डिसाइड होता है कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तब उसको पहले से अश्योर किया जाता है कि आपको 10%, 12%, 15%, 20% हम डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। तो उस प्रिफरेंस शेयर का नाम ही इसी तरीके से स्टार्ट होता है, 10% प्रिफरेंस शेयर, मतलब ये शेयर का नाम है प्रिफरेंस शेयर, 10%। 10% का मतलब क्या है, इस पर रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगी, 10%। सपोज 12% प्रिफरेंस शेयर, इसका मतलब इस पर रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगी, 12%। सपोज 15% प्रिफरेंस शेयर, इट मीन्स इस पर रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगी, 15%। तो इसका मतलब शेयर के आगे ही उसका जो परसेंटेज है वो मेंशन कर रखा होता है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि भाई इस रेट से इस शेयर पर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा और डिविडेंड पे किया जाएगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिफरेंस शेयर होल्डर की मानी जाती है प्रॉफिट्स पे, कि सबसे पहले प्रॉफिट जब होगा तो डिविडेंड प्रिफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, इनको देने के बाद कुछ बचता है तो इक्विटी को मिलेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट इसमें ही चलेगा कि अगर कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट होता है तो फर्स्ट अगर उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अगर है तो फर्स्ट प्रॉफिट प्रिफरेंस शेयर कैपिटल को ही प्रोवाइड होगा, उसके बाद प्रॉफिट बचता है तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है, ये कंडीशंस होती है। वही चीज अपन ने बोली कि रेट ऑफ डिविडेंड जो होती है वो इस पे फिक्स होती है आपकी,
प्रिफरेंस शेयर पे पहले से कि भाई कितने परसेंटेज प्रिफरेंस पे हम डिविडेंड पे करेंगे, पर इक्विटी पे कोई भी रेट फिक्स नहीं होती है। प्रिफरेंस को पे करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, तो ये मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। उसके अलावा अपन जैसे कि अपन ने बात की ये ओनर्स है, तो सीधी सी बात है कि वोटिंग राइट्स कंपनी के जो मेजर डिसीजंस होंगे उसमें वोटिंग राइट्स जो होंगे वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास होंगे, प्रिफरेंस को वोटिंग राइट्स नहीं होते। पर कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां पर वोटिंग राइट्स प्रिफरेंस शेयर को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करें अगर तो कन्वर्जन की बात करें, तो इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल नहीं होता है, पर प्रिफरेंस शेयर को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप एक चीज और इसके अंदर समझ सकते हो कि इक्विटी कैपिटल कभी भी रिफंडेबल नहीं होती। इक्विटी शेयर का पैसा अगर कंपनी ने एक बार ले लिया तो वो कभी होल लाइफ में कभी रिफंड नहीं करेगी। बायबैक हो सकता है, बायबैक का मतलब कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से फिर से परचेस कर ले, पर प्रिफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो उसी कैपिटल रिफंडेबल होती है, रिडीमेबल होती है। मतलब ये कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको कैपिटल का पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। कि जैसे आपने सपोज प्रिफरेंस शेयर, तो उसके जो रिडेम्पशन डेट होती है वो पहले से फिक्स होती है कि 5 ईयर के लिए प्रिफरेंस शेयर इशू किए जा रहे हैं, 10 ईयर के लिए इशू किए जा रहे हैं, 15 ईयर के लिए किए जा रहे हैं, 20 ईयर के लिए। 5 ईयर है तो 5 ईयर के बाद जैसे 5 ईयर कंप्लीट होंगे कंपनी को प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा, और 10 ईयर है तो 10 ईयर के बाद पेमेंट करना पड़ेगा, 15 ईयर तो इस तरीके से आप समझ सकते हो बेटा कि ये मेजर डिफरेंस रहेगा इक्विटी और प्रिफरेंस में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बोर्ड में क्वेश्चंस बनता है, बड़ा जो क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन पूछा जाता है इन दोनों में, तो आपको बहुत इजीली मैंने क्लियर किया है कि दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपन जो अपने शेयर्स होते हैं वो इंडिया के अंदर जो इशू होते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस पे इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें तो शेयर को दो तरीके से इशू किया जा सकता है, एक तो कि कंपनी सारा पैसा एक साथ ले ले और दूसरा इंस्टॉलमेंट में ले। सारा पैसा एक लाख साथ लेने का मतलब सपोज 100 रुपए का शेयर, तो कंपनी ये कहती है कि भाई 100 रुपए आप एक ही बार में दे दो हमको पूरा, हम टुकड़ों में नहीं लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि कंपनी टुकड़ों में ले, टुकड़ों में लेने का मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ पैसा ले रहे, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ पैसा मांग ले, फिर फर्स्ट कॉल करे, सेकंड कॉल करे, थर्ड कॉल, वो डिपेंड करता है कंपनी कितनी कॉल करना चाहती है उसके हिसाब से। 5 टुकड़ों में ले रहे हैं, 6 टुकड़ों में ले रहे हैं, 3 टुकड़ों में ले रहे हैं, 2 टुकड़ों में ले रहे हैं, या एक साथ पैसा, तो दो चीजें अपन बात की। उसके अलावा कंपनी की जो कंडीशंस क्या हो सकती है, क्या टर्म्स हो सकती है, तो जो 1956 एक्ट है आपका, कंपनी एक्ट जो बना हुआ है पुराना, उसमें तो 3 कंडीशंस पे शेयर इशू हो किए जा सकते थे। वो थी बेटा पार, प्रीमियम और आपका डिस्काउंट। पर जो आपका 13-14 कंपनी एक्ट 13-14 जो रिवाइज हुआ उसके अंदर से डिस्काउंट वाला क्लोज हटा दिया गया। मतलब ये कि इंडिया के अंदर शेयर कभी भी अब डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं। ओनली 2 कंडीशन बची है जिसपे शेयर इशू हो सकते हैं, वो 2 कंडीशन है आपकी पार और प्रीमियम। इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, पार का मतलब ये कि कंपनी जब अपना शेयर नॉमिनल वैल्यू मतलब जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसी वैल्यू पे पब्लिक को ऑफर करती है तो वो कंडीशन आपकी पार वैल्यू कहलाती है। और दूसरी चीज प्रीमियम की बात अगर अपन यहाँ पे करें तो प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज करना। तो जो बड़ी कंपनी होती है, ब्रांड्स होती है, वो कंपनीज क्या करती है अपने शेयर्स पे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है जिसको प्रीमियम्स के नाम से जाना जाता है। कि सपोज कंपनी के ओरिजिनल शेयर की प्राइस 100 है बट कंपनी उसको 150 में इशू कर रही है, इसका मतलब वो 50 रुपीज उस पर जो चार्ज हो रहा है वो क्या है, प्रीमियम है, एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है कंपनी। ठीक है बेटा, तो पार और प्रीमियम में दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है। पार वैल्यू जो होती है उस वैल्यू को आप यूं समझ सकते हो कि पार मतलब कंपनी ओरिजिनल वैल्यू पर ही जब पब्लिक को शेयर ऑफर करेगी तो पार वैल्यू होगी, और जब एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करके इशू करेगी तो प्रीमियम वैल्यू होगी। उसके अलावा एक वर्ड अपन ने यहाँ पर सुना डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या होता है तो वो भी अपन क्लियर कर लेते हैं। जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर में कैश के फॉर्म में जब डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो डिविडेंड होता है। और कंपनी अगर अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करना चाहती है तो कैश में पेमेंट नहीं करके वो शेयर के थ्रू फ्री में उनको शेयर देती है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं बोनस। तो 2 कंडीशन यहाँ पे बनी, एक तो डिविडेंड और बोनस। तो दोनों का कंसेप्ट क्या है कि कंपनी जब अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट अपने प्रॉफिट्स का पार्ट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है कैश की फॉर्म में तो वो डिविडेंड होगा, और अगर शेयर की फॉर्म में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो बोनस कहलाएगा, जिसमें शेयर होल्डर को अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, बोनस में शेयर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है। इसके बारे में कुछ मेजर टर्मिनोलॉजीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको आपको अच्छे से क्लियर करना है ताकि शेयर चैप्टर में आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आए, अच्छे से आपको हर चीज क्लियर हो। फिर ये सारी जब चीजें जो होती है उसके अंदर आप एंट्री वाइज बात करें अगर अपन, तो एंट्री किस तरीके से प्रोसीजर क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो शेयर जो इशू किया जाता है
तो आपको किसी कंपनी का शेयर अगर परचेस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन फॉर्म उसका फिल करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप अप्लाई करेंगे कि कितने शेयर्स की आपको डिमांड है, उसके शेयर के इक्वल अमाउंट आपको डिपॉजिट करवाना होगा कंपनी के पास। फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि किसको कितना शेयर अलॉट करना है। कंपनी के पास अलग अलग कंडीशंस हो सकती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो सकता है, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन जिसको ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है वो हो सकता है, कि कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है उससे ज्यादा के लिए डिमांड हो जाए, कंपनी जो शेयर इशू करे उससे कम के लिए डिमांड हो, ठीक है। तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो सारी सब चीज़ें होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आगे अपन बात करते हैं एंट्री वाइज। तो एंट्री की जब बात आती है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये चलता है कि जब भी आप शेयर इशू करते हो उस कंडीशन में, तो आपका अगर आप एक साथ लमसम पेमेंट ले रहे हो, लमसम पेमेंट का मतलब सारा पैसा एक ही साथ में कंपनी जब रिसीव कर रही है, सपोज 100 रुपीज का शेयर है, 1000 शेयर है, कंपनी सारा पैसा एक साथ ले रही है सपोज, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री जो आपकी रहेगी वो पैसा कंपनी के पास रिसीव होने की रहेगी, वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जो पैसा आएगा वो लेंगे। देन टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब जो एप्लीकेशन पे जो पैसा आ रहा है उसको अपन इस नाम से जान रहे हैं। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सपोज 100 शेयर है, 1000 शेयर है और 100 रुपीज का एक शेयर है, तो 1,00,000 रुपये आपका अमाउंट हो गया। तो 1,00,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। अब कंपनी अगर आपको शेयर अलॉट कर देती है तो पूरा 1,00,000 रुपये आपका कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री जो होती है इस एप्लीकेशन के पैसे को आपको क्या ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल में। तो एंट्री बनती है बेटा यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये 1,00,000 रुपीज आप फिर से वापस यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। हर पैसा कैपिटल में आपका जरूर ट्रांसफर होगा। फर्स्ट अमाउंट आपका पैसा जो आप रिसीव करोगे उसकी एंट्री रहेगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देन उसको आप ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो ये कंडीशन होती है बेटा जहां पर आप क्या कर रहे हो, एक साथ पैसा ले रहे हो। तो जब ऐसी कंडीशन बने तो आपको इसके साथ में अलॉटमेंट और वर्ड यूज करना रहेगा, क्योंकि आप अलॉटमेंट अलग से नहीं करने वाले हो, एक ही बार में सारा पैसा आप ले रहे हो। तो एंट्री में आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अल्टरनेटिवली आपको यूज करना पड़ेगा, और ट्रांसफर करोगे तब भी यहाँ पे अलॉटमेंट वर्ड लग जाएगा। पर सपोज कभी कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट में अमाउंट की बात करती है तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैसे यूज होता है वो आपको बता देता हूँ, कि आप अगर इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर कंपनी शेयर का पैसा कलेक्ट कर रही है तो कंपनी को इस तरीके से बात करेगी कि 100 रुपीज का शेयर है तो आप एप्लीकेशन के टाइम पे 30 रुपीज डिपॉजिट करवा दीजिए, अलॉटमेंट के टाइम पे फिर सपोज कंपनी ने 30 मांग लिया, फिर कंपनी ने सपोज फर्स्ट कॉल की तब 20 मांग लिया, फिर कंपनी ने सपोज सेकंड कॉल की तो उसने आपको फिर 20 मांग लिया, तो ये हो गया आपका 100 रुपीज का शेयर। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये कंपनी क्या हो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अगर जाए तो इस तरीके से पैसा क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। तो एप्लीकेशन का पैसा जब आएगा तो उसकी एंट्री इस तरीके से बनाएंगे, फिर एप्लीकेशन के बाद कंपनी अलॉट करेगी तब अलॉटमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, फिर फर्स्ट कॉल करेगी तो फर्स्ट कॉल। तो इस तरीके से सिक्वेंस एंट्रीज का चलता रहेगा जो अपन देखेंगे आगे। उसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट जो आता है वर्ड आता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, तो कंपनी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी का मतलब ये कि इन फ्यूचर कंपनी जब तक होल लाइफ में कितने शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वो ऑथोराइज कैपिटल होती है। सपोज किसी कंपनी की 2 करोड़ में मैक्सिमम कैपेसिटी है तो 2 करोड़ तक के शेयर ही मार्केट में इशू कर पाएगी, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, बट सेबी की कुछ गाइडलाइंस है उसके थ्रू अगर आप जाना चाहें तो उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, पर उसके लॉज के अकॉर्डिंग आपको उसको चूज करना पड़ेगा। बाकी आपके लिए सिंपल से कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि आपको ये समझना है कि ऑथोराइज कैपिटल का मतलब यही है कि कंपनी की जो कैपिटल है वो कैपिटल जो मैक्सिमम पब्लिक को इशू किए जा सकती है अपनी होल लाइफ में, वो आपकी क्या होती है, ऑथोराइज कैपिटल होती है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर आता है आपका ऑथोराइज के बाद इशूड कैपिटल। इशू मतलब अब उस जितना ऑथोराइजेशन उसको मिला उसमें से कितने शेयर पब्लिक में इशू किए जा चुके हैं, अब तक वो कंपनी कितने शेयर इशू कर चुकी है, वो इशूड कैपिटल होती है। और फिर उसके बाद होता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब जो आपने इशू किया उसमें से कितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। सपोज आपने 1,00,000 शेयर इशू किए पर पब्लिक ने 95,000 ही खरीदे, तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल जो होगी वो 95,000 के इक्वल ही होगी। तो ये चीज होती है। उसके अलावा एक टर्म्स होती है आपकी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जो होती है वो कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है, लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी वाइंड अप करती है अपना फाइनली, तो उस टाइम पीरियड के लिए वो शेयर को बचा के रखती है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको आगे शेयर चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे काफ़ी कुछ चीज़ें आप सीखते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक्स अपना क्लियर करना पड़ेगा, इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो आप अच्छे से आगे एंट्रीज कर पाएंगे और आपको सारा टॉपिक सारे अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप शेयर किस तरीके से इशू करते हैं, एंट्रीज क्या होती है, एक साथ जब पैसा लेती है कंपनी तो ये एंट्रीज इस तरीके से की जाती है, जब इंस्टॉलमेंट में होगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल आज की जो अपनी क्लास है उसके अंदर अपन बेसिक्स के बारे में अपन ने बात की, ये चीज़ें आपको सभी को क्लियर करनी है। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इंस्टॉलमेंट में जो एंट्रीज होती है कि जब टुकड़ों में पैसे लिए जाते हैं तो कैसे किया जाता है, कॉल इन एरियर क्या होता है, कॉल इन एडवांस क्या होता है, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उन सब टर्मिनोलॉजीज पे अपन नेक्स्ट जो अपना क्लास होगा उसमें बात करेंगे। आज की क्लास में आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। और आपको अच्छे से इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8386899564 आप सभी के पास है ही है, उस पर आप अपनी क्वेरीज वगैरह भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा कि शेयर को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तभी आप शेयर की एंट्रीज आगे कर पाएंगे। थैंक यू।